हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा, रसोई मम्मी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मौत की सब्जी बनाएंगे, तो मैं बताती हूँ आपको ये किस तरह से बनाते हैं। ये मैंने कुकर रख दिया है गैस पे, और इसके अंदर मैं एक गिलास पानी डाल रही हूँ बॉईल करने के लिए। एक गिलास पानी डाल दिया। ये साबुत मौत है, आप देख सकते हैं। ये सूखे हैं, ड्राई वाले मैं बता रही हूँ, सूखे मौत हैं। इसको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था और इस तरह से फूल गए हैं। और अब मैं कुकर में इसे एक सीटी आने तक बॉईल करूंगी। तो पानी गर्म हो गया है करीब, जब पानी गर्म हो जाए तभी हम इसमें मौत डालेंगे। तो ये पानी उबलने लग गया है, कुकर में पानी उबलने लग गया है। अब इसमें मैं ये मौत डालूंगी। इसे मैंने रात भर गला दिया था, अच्छे से फूल गए हैं, और इस तरह से सारे मौत डाल दिए। जब ये पानी बॉईल होता है तभी हमें मौत डालने चाहिए। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालूंगी फ्रेंड्स। ये हल्दी डाल दी और थोड़ा नमक डालूंगी। ये नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और इसे एक सीटी आने तक मैं बॉइल करूंगी। कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और ये एक सीटी आएगी तब तक बॉइल करेंगे, और फिर गैस बंद कर देंगे। तब तक हम मसाला फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तेल गर्म होने रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें तेल भी गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। पहले मैं जीरा डालूंगी। और फिर राई डालेंगे। थोड़ी सी हींग डालूंगी मैं, और एकदम से अब प्याज डाल देंगे। प्याज छोटी छोटी कटिंग कर रखी है प्याज की मैंने। और इसी के अंदर बीच में मैं ये थोड़ी सी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च है, ये डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। और ये मौत भी एक सीटी बोल गई है, मौत भी हमारे तैयार हो गए हैं, अभी वो भी डालेंगे। पहले मसाला बना लेते हैं। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, और इसी के अंदर मैं ये हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये भी फ्राई हो जाएगा साथ के साथ। और इसी के अंदर मैं ये कसूरी मेथी भी फ्राई कर दूंगी। इसका फ्लेवर बहुत मस्त आता है इसमें। गैस धीरे कर दी है मैंने, लो फ्लेम पे ये मसाले भूनूंगी ताकि ये जले नहीं।
अब इसके अंदर मैं ये हल्दी डालूंगी और ये मिर्च डालूंगी। ये मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, किसी को कम मिर्च पसंद है, किसी को तेज। और फिर ये धनिया डाल रही हूँ, इस तरह से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ी खुशबू आने लग गई है मसाला, थोड़ा सा हम इसमें जरा सा पानी डालेंगे। फिर गैस को मीडियम कर देंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़े से टमाटर की कटिंग है ये मैं डाल रही हूँ, दो टमाटर की कटिंग डाल रही हूँ मैं। और इसे भी एक मिनट तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टमाटर हमारे थोड़े गल गए हैं। अब इसी के अंदर मैं आपको, मैंने अभी एक वीडियो शेयर किया था किचन टिप्स का, यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ये इसके अंदर मैं ना आपको पहले भी बताया था कि ये लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च का पेस्ट मैं तैयार रखती हूँ, 3-4 दिन के लिए फ्रिज में रखा रहता है, मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो इसका मसाला भी मैं 2 चम्मच ये डाल रही हूँ। इसी के अंदर मैंने थोड़ा नमक मिर्च हल्दी धनिया भी डाल रखा है, तो ये मसाला मेरे 3-4 दिन तक फ्रिज में स्टोर रहता है, तो बहुत अच्छा रहता है। ये अभी किचन टिप्स में मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो ये वाला पेस्ट भी मैं डाल के थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। वैसे ये फ्राई हुआ है, वैसे तो पहले कर चुकी हूँ। अब इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ये टमाटर का पेस्ट प्यूरी बनाई है मैंने, ये 2 टमाटर की प्यूरी है ये भी डाल रही हूँ, ताकि हमारा ग्रेवी मस्त हो जाए। इसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे हिला के। और मैंने आपको बताया था पहले मैंने नमक नहीं डाला था मसाले में, अब मैं थोड़ा नमक इसलिए डाल रही हूँ, नमक थोड़ा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि ये मोठ जो मैंने उबाले हैं इसके अंदर भी मैंने डाला था। तो अब हम मोठ खोल के देख लेते हैं, मैं मोठ बता देती हूँ आपको। मसाला हो रहा है हमारा, थोड़ा फ्राई हो रहा है। ये मोठ भी हो गए हमारे, गल गए हैं। मसाले में भी नमक डाल दिया ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी नमक वाली हो जाए। और अब आप इसके अंदर ये मोठ गले हुए हैं जो बॉइल हो गए थे वो मैं डाल रही हूँ। गैस थोड़ी सी मैं धीरे कर दूंगी, स्लो गैस में थोड़ा सारा मसाला मिक्स होगा। इस तरह से मोठ बिल्कुल गल गए हैं, तो ज़्यादा हमको तेज गरम करने की ज़रूरत नहीं है, तेज उबाल देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक उबाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। और इसको 1 मिनट के लिए मैं ये ढक्कन लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये गैस मैंने बंद कर दी है और अब हम ढक्कन खोल के देखते हैं। देखिए कितने अच्छे मोट हो गए हैं, बॉईल तो थे इसलिए हमको ज़्यादा नहीं उबालना पड़ा, बहुत अच्छे मोट हो गए हैं। और इसके अंदर मैं ये थोड़ा हरा धनिया डालूंगी और थोड़ा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए बचा लूंगी। तो अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसके अंदर हम थोड़ा सा ये नींबू डाल लेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से ये नींबू डाल लेंगे, तो ये और भी
मोट बहुत मस्त लगेंगे। अभी मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये मोट की सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है फ्रेंड्स। इसे मैंने हरे धनिया से गार्निशिंग कर लिया है। आप बनाएंगे, आप ज़रूर ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और आपसे भी बहुत अच्छी बनेगी। ये साबुत मोट की सब्जी बहुत मस्त लगती है फ्रेंड्स। इसे महाराष्ट्र में मटकी की सब्जी भी कहते हैं। और इसमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि मोट ज़्यादा गले नहीं। जब आप कुकर में बॉईल करते हैं तो एक सीटी देनी है और एक सीटी के बाद मोट गलने लग जाएंगे। उसको 5 मिनट तक कुकर में बंद रखना है, फिर है ना मोट बहुत अच्छे लगेंगे, अच्छे गले हुए होंगे। और सीधे उसको बॉईल करे हुए मोट को आप कढ़ाई में जो मसाला मिक्स करा है, फ्राई करा है, उसमें आप मिक्स कर देंगे। तो सर्दियों में तो ये मोट बहुत मस्त लगते हैं फ्रेंड्स। गरम गरम मोट की सब्जी आप रोटी, पराठे, पूड़ी या चावल के साथ भी खा सकते हैं और बच्चों को भी ये रेसिपी पसंद आएगी, तो घर में सभी को पसंद आएगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, बाय।